आज तपाईहरु दुबै जनाले टाइम दिनुभयो, धेरै नै खुशी लाग्यो। प्लस हाम्रो दर्शकवृन्दहरु पनि तपाईहरुलाई देख्दाखेरि प्रियंका कार्कीको बिहे भएको थियो र भन्ने अचम्म भन्ने दर्शकहरु पनि आजको बडा खुलस्त हुनुभयो होला। देखिए लोग, हम दोनों एक साथ आ गए हैं, ठीक है, और इनका कोई गलती नहीं है, मेरा गलती है कि हम इनको लेके भागे हैं, ठीक है। अगर मरना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, जीना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ। इनके खुशी में मेरा खुशी है, ठीक है। एक दिन पापा मेरे गली में देख लिए थे, हमको बहुत मार मारे थे, बेल्टे बेल्ट बोलते थे कि तुम मुझसे बात मत करो, स्कूल जाने से भी मना कर रहे थे हमको। पर इसी वजह से, घर के लोग के वजह से हमको फिर इनके साथ आना पड़ा, ठीक है। इनका कोई गलती है नहीं, गलती है तो मेरा है। मैले भने जीवन साथीको साथ निकै नै फापेको छ प्रियंका कार्की, स्पेशली उहाँले कस्तो तरिकाले तपाईलाई हेल्प गरे या भने मोटिभेसन गरिरहनु भएको छ। ठीक है, मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ, शादी भी करेंगे इन्हीं के साथ। हमको जो करना है, कैसे भी रखे, हमको नून रोटी खाए चाहे हम मार भात खाए, ठीक है, हमको इन्हीं के साथ रहना है। किसी से लेना देना, घर परिवार किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है। अपने माँ बाप किसी से मतलब नहीं है, बस मेरे सास ससुर अच्छे से रहे, आई अच्छे से रहे, इनके खुशी में मेरा खुशी है, ठीक है। अगर लोग हम लोग को अलग कर सकते हैं तो हम जहर खा के हम दोनों मर जाएंगे, ठीक है। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, हम लोग एक बिछड़ के भी नहीं रह पाते हैं, ठीक है।